तो गाइज इतने दिनों के सूखेपन के बाद मार्वल स्टूडियोज ने अपने जबरदस्त शोज को हाल ही के बिग गेम स्पॉट में टीज कर ही दिया और ये टीजर हैरान करने वाला था। पहले डिज्नी ने हम फैंस को खुश किया ये बता के कि वांडा विजन हमें इस साल ही देखने को मिलेगी और फिर ये बिग गेम स्पॉट जिसके बारे में हम फैंस को उम्मीद भी नहीं थी। हमें ये जरूर पता था कि इस सुपर बोल में ब्लैक विडो का टीजर देखने को मिलेगा जो कि मिला, पर इन डिज्नी प्लस शोज की हमें उम्मीद नहीं थी जिसमें हमें लोकी भी दिख रहा है टीवीए की यूनिफॉर्म के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियोज के बिग गेम स्पॉट के बारे में। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इतना एक्शन हम कैसे संभालेंगे? तो ये टीजर शुरू होता है उसी शील्ड के साथ जिसके साथ एंड गेम खत्म हुआ था। कैप की वही शील्ड जो कि थोड़ी डिफरेंट लुक के साथ उन्होंने सैम को दी और उसी शील्ड के साथ सैम नया कैप्टन अमेरिका बनने की तैयारी कर रहा है। प्लस इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उसका हाइड आउट स्पॉट है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट और सैम के बीच अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, पर इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सैम के शील्ड फेंकने के बाद अपने को दिखता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो जो कि रेड से ब्लू हो गया, जो कि शायद इसी तरह डिज्नी प्लस के सारे शोज में हमें दिखाया जाएगा। ये चेंज भी मस्त है, पर उससे भी मस्त है ये रेस 3 वाले शॉट्स। मैं मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली ये कुछ हाइड्रा एजेंट्स लग रहे हैं जो कि उड़ते हुए पीछे गोली चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई ट्रेंड बनता जा रहा है जहां उड़ते हुए गोली मारना फैशन में हो। क्या हुआ उन दिनों का जब लोगों को नीचे गिरने की ज्यादा चिंता हुआ करती थी? तो पीछे ये लोग उड़ते हुए जिस पर गोली चला रहे हैं वो है सैम विल्सन, वो भी बिना शील्ड के। अब शील्ड मिली है तो साथ लेके निकलना चाहिए ना, और सैम विल्सन का ये लुक हमें रिसेंटली सामने आए फर्स्ट लुक पोस्टर में भी दिख चुका है, जहां हमें बकी का फर्स्ट लुक भी दिखा था छोटे वालों में। और अब जब बकी की बात हो ही रही है तो हम अगले शॉट में बकी को जीमो की तरफ गन एम करते हुए देख सकते हैं। तो बकी ऐसा क्यों करेगा? अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आप लोगों को सिविल वॉर का क्रैश कोर्स दे ही देता हूँ। बेसिकली वो जीमो ही था जिसकी वजह से पूरी सिविल वॉर हुई। उसी ने बकी को पहले बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाया और फिर उस पर हाइड्रा के ट्रिगर वर्ड्स यूज करके उसका दिमाग खराब कर दिया और लास्ट में उसको, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को एक साथ लाके उनकी लड़ाई करवाई। तो अगर इस जन्म में बकी का कोई जाने दुश्मन है तो वो है जीमो। हालांकि अगले शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जीमो के पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बाकी हैं, जिनकी वजह से हम बकी को सारी बुलेट्स छोड़ते हुए देख सकते हैं। अब अगर आपको याद ना हो तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के प्रीलूड कॉमिक में हमें पता चला था कि शूरी ने बकी के दिमाग से वो सारी चीजें हटा दी थी जिनसे उसे कोई ट्रिगर कर पाए, पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ माइंड कंट्रोल दिखना बाकी है। अब आगे देखते हैं। वांडा, वेलकम होम। विजन रेजिडेंस। इतनी सी देर में बहुत कुछ हो गया। तो बिग गेम स्पॉट के इस पार्ट में अपन देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट विजन को। आप लोग जानते हैं कि विजन के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंत में क्या हुआ था। तो जैसे ही थैनोस ने विजन के सर से माइंड स्टोन निकाला, वैसे ही विजन की कलरफुल बॉडी से सारा कलर गायब हो गया, और शायद इसीलिए वांडा विजन में वांडा अपनी पावर से अपनी रियलिटी ही ब्लैक एंड व्हाइट कर दे और उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन के नतीजे में हमें ये सब दिखे, जहां विजन के सर पर हम माइंड स्टोन को भी देख सकते हैं। इन सब के ऊपर वांडा विजन आज के टाइम का टीवी शो कम और 80s और 90s के टाइम का सिटकॉम ज्यादा दिखेगा, जहां हमें 80s और 90s के टीवी शोज की तरह लाफ्टर ट्रैक सुनाई दे सकते हैं। थैंक यू। और हमें छोटे मोटे जोक सुनाई दे सकते हैं और एक नॉर्मल फैमिली दिखाई दे सकती है नॉर्मल फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ, जहां आप नोटिस करेंगे वांडा को अलग अलग रूप में, जिनमें से एक रूप में वो अपने कॉमिक बुक वर्जन में होगी। इससे कूल कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं सब के बीच हमें वांडा विजन की शादी दिखेगी, वांडा प्रेग्नेंट भी होगी और शायद इसी बीच वो अपने दिमाग से बाहर निकल के असली रियलिटी भी फील करेगी, जिसका मतलब एक चीज क्लियर है, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। अब आगे के शॉट्स पर नजर डालते हैं। I'm gonna burn this place to the ground. इस भाई ने अकेले पूरा टीजर मस्त बना दिया। तो टीजर के इस पार्ट में हमें पहला पीछे का लुक दिखता है यूएस एजेंट का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएस एजेंट गवर्नमेंट की चॉइस है कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, जबकि अपन जानते हैं कि कैप अगले कैप्टन अमेरिका के लिए सैम विल्सन को चुन के गए थे, लेकिन ये बात गवर्नमेंट को नहीं पता। यूएस एजेंट के बारे में और जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। प्लस यूएस एजेंट को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है एक बड़े फंक्शन में, वो भी बैंड बाजे के साथ। अब अगर आपको ये देखकर अजीब लग रहा है तो अजीब फील मत कीजिए,
स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्लस अगले शॉट में अपन बकी और सैम को देख सकते हैं इस जगह पर, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जगह कोई प्रिजन है, जहाँ शायद बकी सीजन की शुरुआत में जीमो को मिलने आए और सैम को ये बात सही ना लग रही हो। हालांकि अगले शॉट में हमें और भी जबरदस्त चीजें दिख रही हैं, जहाँ हम वांडा और विजन के आगे नोटिस कर सकते हैं दो क्रेडल्स को। ये है वांडा और विजन के दो जुड़वा बच्चे वीकन और स्पीड, जहाँ वीकन के पास टेलीपोर्टेशन और रियलिटी को कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं और स्पीड के पास सुपर ह्यूमन स्पीड। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी ये दोनों हमें यहाँ वांडा की रियलिटी में दिखें, पर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब भी ये इस यूनिवर्स में दिख सकते हैं, जहाँ कॉमिक्स की तरह इनको कोई और अडॉप्ट करे। और इस टीजर के लास्ट के शॉट में हम देख सकते हैं लोकी को टीवीए यूनिफॉर्म में। अब लोकी के उस जगह को पूरी तरह जला देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीवीए क्या है। टीवीए का फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। कॉमिक्स में इस अथॉरिटी का काम था टाइम और स्पेस को मॉनिटर करना। और अगर आपको ध्यान ना हो तो रिसेंटली एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवलिंग को यूज करके कुछ बहुत बड़ा किया है, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो लोग टीवीए की नजरों में आ गए हैं। पर अगर लोकी टीवीए का एजेंट है, जिसको हल्क ने गायब होने से पहले पटक पटक के मारा था, तो वो गलत नहीं कह रहा। वो सही में जहां भी बैठा है वो उस जगह को जलाकर राख कर देगा। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन मार्वल स्टूडियोज के बिग गेम स्पॉट का। ये सारी सीरीज बेशक टीवी सीरीज कहला रही हो, पर इनका प्रोडक्शन सिनेमा लेवल का होगा। प्लस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डिज्नी प्लस इस साल इंडिया में आईपीएल के बाद लॉन्च होगा। पर चिंता नहीं, ये शोज तभी वर्ल्ड वाइड रिलीज होंगे। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारी सीरीज में से आप किस सीरीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। मैं सारी सीरीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और असम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप हल्क के गुस्से का असली रूप देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।